रे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचे रुचे भोगे बनाऊंगी। देखिए कितना सुंदर फ्लावर है फ्रेंड, है ना, बटरफ्लाई। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप लोग बताइएगा कमेंट में आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। देखिए वाओ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बोलने में जब भी गलती हो जाए तो माफ करिएगा, फिर चुका धन्य कर गए फ्रेंड। तो फ्रेंड देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ठंडी हो रही है, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा। सिर्फ कल धूप निकली थी, एक महीना हो गया कोहरा इसी तरह, और एक महीने के बाद कल थोड़ी सी धूप निकली, इसके बाद आज इतना ज़्यादा कोहरा है कि कुछ नहीं दिख रहा। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं बैक कैमरा से, ये देख सकते हैं फ्रेंड, कुछ नहीं दिख रहा, इतना ज़्यादा कोहरा है, एकदम धुंधला धुंधला हो गया सब जगह, एकदम धुंधला ही धुंधला है फ्रेंड। तो इस तरह में हमारे प्लांट बेचारे ना अच्छे से फ्लावरिंग कर पा रहे हैं, ना अच्छे से ग्रोथ कर पा रहे हैं, पता नहीं एकदम से ठंड इनको भी लग गई है। अब किनको किनको अंदर रखें, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है फ्रेंड। तो ये सारे प्लांट एकदम से बिल्कुल ख़राब हो जा रहे हैं, ना अच्छे से इन सबको जो सीजनी है इन सबको धूप चाहिए। अब धूप नहीं निकल रही है फ्रेंड, तो बताइए क्या करें। जब धूप निकलेगी तभी ही ये फ्लावरिंग अच्छे से कर पाएंगे, धूप नहीं निकलेगी तो देखिए ये खिलने वाले हैं और किस तरह से सुकड़े पड़े ये देख सकते हैं आप। कितनी सारी बड्स लगी खिलने के लिए, देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 लग गई हैं बताइए। और जब धूप नहीं है तो कैसे खिलेंगी ये, तो ये गजनिया है फ्रेंड। और गजनिया जब तक धूप नहीं निकलती, जब तक फ्लावरिंग नहीं करता, चाहे जितनी इनमें से बड्स लग जाएँ, जब धूप निकलेगी तभी ये फ्लावरिंग करेगा गजनिया का प्लांट। और देख सकते हैं आप, एक ये मेरे पास गजनिया है और एक ये, मतलब तीन कलर हैं, तीनों अलग अलग, मतलब कलर तीन प्लांट है और तीनों अलग अलग कलर के हैं। आप लोगों से बता दूँ बहुत ज़्यादा ठंडी है ना, इसके कारण बोलना कुछ है निकल कुछ रहा फ्रेंड। तो अब देखती है, ये डॉगी प्लांट है तो मैंने इसको देखिए बीच से ग्रो हो गया है, देखिए कितना भूसी हो गया ना, कि देखिए इसमें फ्लावरिंग के लिए बट्स लगे। अब देखते हैं कौन सा फ्लावर इनमें से निकलेगा, जो निकलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड इन प्लांटों की, देखिए ये जो मेरा स्पाइडर प्लांट है आप लोगों को दिखा दूँ कि मतलब कितना छोटे छोटे पॉट में से लगा है। और देखिए इनकी जड़ें हैं जो, देखिए मतलब आप प्लास्टिक बोतल में लगाएंगे ना तो एकदम से पूरा सट गया है। और देखिए जड़ एकदम नीचे निकल आई है इसकी, ये देख लीजिए आप कितनी ज़्यादा जड़, मतलब पूरा पॉट जो है बिल्कुल भर गया है, जड़ एकदम से सट गई हैं। और जो मैंने ड्रेनेज होल बनाया था ये उनसे निकल गई हैं, ये देखिए कितनी ज़्यादा निकल गई हैं फ्रेंड, है ना, ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा निकल गया। देखिए कितना खूबसूरत सा मैंने ये प्लांटर बनाया था प्लास्टिक बोतल से, क्यूट क्यूट, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड। ये आप लोगों को कैसे लग रहा है आप लोग बताइएगा। और मैं इसी तरह की जा रही हूँ, आज दो चार और बनाऊंगी क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा है इस तरह से, ये दो इनके कान और ये, फिर मुझे बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड। तो आज तो आप लोगों से बता दूँ कि आज तो अयोध्या में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो मैं आप लोगों को भी गीत सुना रही हूँ है कि मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले ए हैं, राम आए हैं। मैं तो रुचे रुचे भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचे रुचे फूल बरसाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज गए हैं, राम आए हैं। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, और फ्रेंड बता दूँ हर गली हर चौराहे में इतनी सुंदर रंगोली बनी है, इतनी सुंदर कि पूछो ना, बहुत ज़्यादा सजा हुआ है हर जगह, मतलब रामायण भागवत सब लोग करा रहे हैं और हर जगह रंगोली, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। अयोध्या तो सजी है, हर मोहल्ला हर गली सज गई है हमारे इधर, बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड। सब लोग घर घर यही गीत आज यही गाना बजा रहे हैं, सब लोग डेक बजा रहे हैं। मैं अपने छत में हूँ तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है इधर भी,
तो फ्रेंड आपके इधर कैसा है आप लोग भी बताइएगा, और देख सकते हैं मेरे गार्डन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बताइएगा। और ये स्पाइडर प्लांट के बारे में बताने वाली थी तो फ्रेंड गीत गाने लगी, तो ये स्पाइडर प्लांट आप लोग ज़रूर लगाइएगा, बहुत सुंदर प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है फ्रेंड, और अंदर बाहर बहुत अच्छे से चलता है, आप इसको जहाँ भी रखेंगे बहुत अच्छे से चल जाएगा फ्रेंड, बस ज़्यादा इसमें धूप ना लगे नहीं तो इसकी पत्तियाँ जल जाती हैं। और देखिए छोटे छोटे पॉट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है फ्रेंड, तो आप लोग स्पाइडर प्लांट ज़रूर लगाइए। मैं इनको चेंज करूँगी, देखिए पूरा भर गया है, एक भी जगह नहीं बची है और ड्रेनेज होल से निकल गया है बाहर, तो मैं इसको चेंज करूँगी। अब जिस दिन धूप निकलेगी फ्रेंड उसी दिन चल करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी है ना कि ठंडी के कारण हाथ एकदम से ठिठुर जाते हैं, देख लीजिए कैसे निकल आए हैं, छोटे छोटे बोतलों में भी लगाया था और इनके ड्रेनेज होल से बाहर निकल गए हैं। इसको देखिए यहाँ लगाया था और ये एकदम से पूरा भर गया है, तो इन सबको चेंज करूँगी फ्रेंड। तो जिस दिन धूप निकलेगी तो ये काम मुझे करना है, और बहुत ज़्यादा वर्क तो बहुत ज़्यादा गार्डन में पड़ा है, लेकिन धूप ना निकलने के कारण कुछ नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड, बस 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 क्या बताऊँ, बहुत परेशान हूँ कि कुछ गार्डन का काम नहीं कर पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि पूछो ना। इस साल मैंने अपने गार्डन का कुछ अच्छे से नहीं कर पाई सर्दी के कारण, पिछले वर्ष इतना ज़्यादा सब कुछ डेली डेली नए नए DIY बनाती थी, इस साल इतनी सर्दी है कि कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड बाय बाय, लव माई गार्डन, लव माई फ्रेंड, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाय बाय, लव यू, जय श्री राम।